इंदौर, विकसित इंदौर और आने वाला इंदौर भारत में विकास की नई गाथा लिखे। इसलिए अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप विकास को चुने, ना कि विनाश करने वाली पार्टी को। आपकी और हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसी पार्टी को चुने जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास विचारधारा है, जिसने काम किया है, जिसने जो कहा वो किया है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कहा था बनाएंगे, अब तारीख भी बता दी है। धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत में मिलाएंगे। तो ऐसा एक राजनीतिक दल है जिसके हम कार्यकर्ता हैं। सामने एक राजनीतिक दल है जिसने आजादी के बाद लगातार इस देश को लूटा। आज ये स्थिति है कि उनकी पार्टी खुद को ठीक से नहीं चला पा रहे, तो प्रदेश कैसे चलाएंगे, नगर निगम कैसे चलाएंगे। उप प्रतिद्वंदी 2018 से लगातार केंद्र में उनके पास एक पप्पू है, और यहाँ अब ये इंदौर को नए गप्पू मिले हैं जो 2018 से लगातार गप मारते हैं। उनने कहा मैं आपको कोई पैसे दो ना दे, खुद पैसे लगा के हर वार्ड में हॉस्पिटल और स्कूल खुलवा दूंगा। 4 साल में एक भी नहीं खुला। मैं कहा 600 बोरिंग करा दूंगा, 600 में से जितने हुए हैं वो मुख्यमंत्री और विधायक निधि से हुए हैं जो सरकार देती है, लेकिन उसमें भी कल में गया था क्षेत्र कमान एक में, तो लोगों ने कहा कि वो बोरिंग तो हो गया है लेकिन उसमें ना मोटर डली है, ना पाइप डला है, ना उसका कनेक्शन हुआ है। अब नई गप रोज दे रहे हैं कि इसको ये फ्री दे दूंगा, उसको वो फ्री दे दूंगा, सारे टैक्स खत्म कर दूंगा। भैया सब टैक्स खत्म करोगे तो पैसे लाओगे कहाँ से? तो इंदौर की जनता ना समझ नहीं है, जागरूक है। जागरूक जनता योग्य और अयोग्य में फैसला करना जानती है, अच्छी पार्टी खराब पार्टी में फैसला करना जानती है। अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्र क्रमांक 3 में विकास की रेल 3 इंजन के साथ चले, एक केंद्र सरकार का, एक प्रदेश सरकार का और एक नगर निगम का, जिसमें बड़ा इंजन, बड़ी शक्ति, बड़ा योग आकाश विजयवर्गीय जी का है, आपकी पार्षद प्रत्याशी अनुभवी हैं, काम करने की ताकत है, सूझबूझ है, और महापौर प्रत्याशी कमल का फूल, इनका पंच लगाकर इंदौर की विकास की रेल को मेट्रो की रेल में बदलने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर आप लोग सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि रंजना अनिल पीपले के जनसंपर्क के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं पुष्मित्र भार्गव, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी पहुंचे। सर 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 सर, आपने गप्पू ठहराया यहाँ पर संजय शुक्ला? हाँ, मैं कल से लगातार इसलिए कह रहा हूँ कि गप मारने से समाज में काम नहीं होता है। आपको अच्छी नीयत से किए हुए काम को तर्क पे बताकर आगे की काम की बात करनी चाहिए। 2018 की उनकी जितनी गप थी उसमें से एकाध पूरी हुई हो तो वो बताएं। वैसे सर, जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में जनता का प्रतिसाद मिला इंदौर का, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता का प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी क्या किया हुआ काम है। शिवराज सिंह जी के सपनों का शहर है, उन्होंने इस शहर के लिए जो कल्पना की थी उसी आधार पे नगर निगम ने पिछले 4 कार्यकालों में काम किया है। जनता खुश है, उसी का प्रतिसाद हमको वोट में भी मिलेगा और नए इंदौर को गढ़ने में भी मिलेगा। इन दो पावर के बीच मुकाबला मानते हैं? ये जो चुनाव है ये धन बल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आत्मबल का चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और रंजना अनिल पीपले यहाँ पर जो वार्ड क्रमांक 7 की प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में पुष्मित्र भार्गव जनसंपर्क के लिए आए हैं, गलियों में घुस रहे हैं। और हमारे सहयोगी सौरभ पवार आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस अंदाज में यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्वागत पुष्मित्र भार्गव का किया जा रहा है। उन्हें बाकायदा पगड़ी पहनाई गई है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, और क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय भी लगातार उनके साथ बने हुए हैं। हम उनसे भी चर्चा का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले आप तस्वीरें देखिए यहाँ की, जो गलियाँ हैं उसमें आकाश विजयवर्गीय और पुष्पमित्र भार्गव अंदर जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि इंदौर में किस तरह से चुनावी जो तस्वीर है वो अब एक दिलचस्प नज़ारे के तौर पर हमारे सामने है। पूरी ताकत जो है यहाँ पर बीजेपी ने भी झोंक दी है। सभी से मुलाकात करने के साथ संवाद भी कर रहे हैं पुष्पमित्र भार्गव, और ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 7 की तस्वीरें हैं। आप लोग देख सकते हैं
मुलाकात कर रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय भी उनके साथ मौजूद हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वार्ड मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, बावजूद इसके तमाम मुस्लिम वर्ग से जुड़े लोग भी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी का स्वागत करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं, वो भी इस पूरे जनसंपर्क अभियान की कमान संभाले हुए हैं और ये तस्वीर आप देखिए, एक पूरा नजारा है किस तरह से चुनावी बयार जो है अब वो अपने चरम पर पहुंचने लगी है। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इंदौर में जो मुकाबला है उसके लिए कितनी तरह से तैयार दिखाई दे रही है बीजेपी। घर घर संवाद कर रहे हैं पुष्पित त्रिभाकर और उनके साथ पार्टी के तमाम वर्कर्स भी मौजूद हैं और सभी से चर्चा भी कर रहे हैं और सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय भी लगातार उनके साथ बने हुए हैं और किस तरह का माहौल है लोग स्वागत कर रहे हैं, घर की छतों पर मौजूद हैं और बाकायदा पुष्पित त्रिभाकर भी सभी सत्कार करने वाले मतदाताओं का रहवासियों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और एक एक घर में दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 60 में अंजना अनिल पीपले एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आई है और जनता उन्हें खासा पसंद भी कर रही है क्योंकि जो विकास को लेकर उनका विजन वो जनता तक पहुंचा रही है वो अपने आप में बेहद खास है और उन्हें भी एक खास प्रत्याशी के तौर पर साबित कर रहा है। ये देखिए आप, भारी भीड़ के बीच ये स्वागत की कड़ी जो है वो श्रृंखला के तौर पर स्थापित होती जा रही है। इस पूरी गली में आप लोग देखिए कि किस तरह से तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच पुष्पमित्र भार्गव अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ पवार ये सीधी तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से संवाद का पूरा दौर यहां पर जारी है। आशीर्वाद अपने से बड़ों से प्राप्त कर रहे हैं पुष्पमित्र भार्गव। आकाश विजयवर्गीय भी बने हुए हैं। आकाश जी, एक शानदार और खुशी का स्वागत हम लोग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जनता का बहुत आशीर्वाद भाजपा के साथ है और प्रचंड बहुमत से चुना। आकाश जी, रंजना जी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं वो भी अपने आप में बेहद खास है। बहुत खास है, सामान्यतः ये वार्ड भाजपा के लिए कमजोर माना जाता है मगर इन्होंने अपने परिश्रम से इसको भाजपा में कर दिया है या इस वार्ड से भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेगी। और ये आप देखिए कि आकाश विजयवर्गीय ने भी बताया कि कितनी मजबूती के साथ यहाँ प्रत्याशी जो है अपना आधार तैयार कर रही है, अपना जनाधार तैयार कर रही है और इस वार्ड की गलियों का नजारा है ये वार्ड क्रमांक 60 की। सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जनसंपर्क अभियान जारी है। रंजना जी, एक एक घर से देखिए स्वागत किया जा रहा है, मुस्लिम परिवार है ये मुस्लिम परिवार है यहाँ पर जो दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह भी है क्योंकि यहाँ पर अब तक अंसाब अंसारी जीतते हुए आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका व्यवहार, उनका अहंकार अब मतदाता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन का दौर यहाँ पर दिख रहा है और अब विकास की पटकथा भी यहाँ पर लिखी जा रही है, ये माहौल यहाँ पर ये बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिलहाल जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। बीजेपी के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव और उनके साथ मौजूद हैं आकाश विजयवर्गीय। हर दुकान पर हर व्यक्ति से मैन टू मैन मुलाकात की जा रही है और मतदान उनके पक्ष में हो इसका वो निवेदन भी मतदाताओं से कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सभी छोटी बड़ी दुकानों पर भी वो जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। और यहाँ आप देखिए किस तरह से स्वागत की बेला है, हर घर से लगभग आप देख सकते हैं कि स्वागत किया जा रहा है, ये अपने आप में बेहद खास तस्वीर है। ये हमारे साथ यहाँ के स्थानीय तमाम जो कार्यकर्ता हैं साजिद भाई भी मौजूद है। जी हाँ, इस बार बिल्कुल बदलाव आएगा और बहुत अच्छे से बदलाव आएगा। जनता एक पिक्चर देख देख के परेशान हो चुकी है और इस बार बहुत भारी मतों से हमारी रंजना नील पिपले विजय बनेंगी और सब
अल्पसंख्यक लोग भी उनके दिल से जुड़े हैं और हम बिल्कुल इस बार बदलाव करेंगे, भारी मतों से बदलाव करेंगे। राजीव भाई, हम लोग एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का उपयोग हुआ, दोहन हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। वैसे विकास के नाम पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि पिछले 30 सालों से महेश जोशी परिवार और जो अल्पसंख्यक लोगों के साथ यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है मुस्लिमों को वोट बैंक बना के, इस बार जनता जागरूक हुई है और बिल्कुल परिवर्तन आएगा और हम खुद चाहेंगे कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की बयार है, लेकिन एक बार फिर हम लिए चलते हैं, यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पुष्पमित्र भार्गव यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे, ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय और सिर माथे पर बिठाकर यहाँ पर प्रत्याशी का स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये कि किस तरह से पूरा पांव पलके बिछाकर सिर माथे पर बिठाया है प्रत्याशी को आकाश विजयवर्गीय और उनके साथ रंजना अनिल पिंपले। आपको 1,500 रुपए का दिया हुआ वोट, जिसमें 1,500 दिन 5 साल के लिए आप अपने क्षेत्र का विकास भेज देते हैं, अगर वो टोटल डीजे पावर देखा जाए तो 1 रुपया वोट भी आपके घरों तक नहीं पहुंच पाता है। साथियों, विकास के लिए दिया हुआ विकास के लिए काम कीजिए, आपके सम्मान के लिए काम कीजिए, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आप वोट दीजिए और उस बात के लिए आप तो देखिए ये प्रमाण है। बहुत दिनों से बहुत वर्षों से जो एक समस्या थी पूरी की, वो हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पूरी की, ताली की गाय आस्था विधायक जी का आभार व्यक्त करता। मैं निवेदन करूंगा विधायक आकाश विजयवर्गीय जी सर संबोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप और विधायक आकाश विजयवर्गीय यहाँ संबोधित कर रहे हैं, खास वार्ड है ये, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते आप सबकी ओर से इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से प्रत्याशी बनाए गए स्मार्ट व्यक्तित्व के धनी महाधिवक्ता बहुत ही वरिष्ठ लॉयर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी का विधानसभा 3 के इस मोहल्ले में इस वार्ड में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप लोग भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारी रंजना अनिल पिपले जी, रंजना दीदी का भी मैं स्वागत कर बधाई देता हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। पहले सर्वे में ये वार्ड ऐसा लग रहा था कि कमजोर है, मगर इन्होंने अपनी मुस्कुराहट से, अपनी नारी शक्ति की शक्ति से हमारे पीपले परिवार और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की ताकत वार्ड को भी भाजपा में कर दिया। आज भाजपा इस वार्ड से पक्का चुनाव जीत रही है, ये हम सबका विश्वास इन्होंने खड़ा किया है। मैं इन्हें और आप सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कई वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और बेमतलब आप लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये पुल 1.5 करोड़ मात्र का पुल था, कई बार पार्षद को कहा गया मगर उन्होंने ये पुल नहीं बनाया। जब मैं यहाँ पर विधायक बना, मैंने यहाँ पर दौरा, मुझे यहाँ के लोगों ने आग्रह किया एक फोन पे, क्योंकि इंदौर में इतना पैसा आता है आज के समय में नगर निगम में, कि इतना छोटा पुल जानबूझ के अटकाया जा रहा था। मेरे एक फोन पे इसका टेंडर लगा, टेंडर पास हुआ और आज पुल बन के तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पानी की टंकी हमने बनवाई, जबरदस्ती में पाइपलाइन में पानी नहीं आने दिया जाता है, खुद के टैंकर चलाए जाते हैं ताकि खुद की वाहवाही हो, लोगों की कोई परवाह नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बिल्डिंग भवन नहीं बना सकता, सीधे नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें नोटिस दिया जाता है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की मांग की जाती है। और तब तक हम
तक तब हम यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के दिग्गज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जुट चुके हैं और आकाश विजय पर की संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए क्षेत्र पिछड़ा के पिछड़ा रह गया है। मैं आपको बता दूं कई सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं जो कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं मगर उन्हें नोटिस दे दिया जाता है। 2 लाख 5 लाख 10 लाख की मांग की जाती है और यही कारण है कि यहाँ पर बिल्डिंग भवन नहीं बन पाते और ये क्षेत्र पिछड़ा के पिछड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब हमारे पास एक ऐसे महाधिवक्ता रहे वरिष्ठ लॉयर और डायनामिक पर्सनालिटी के रूप में पुष्प मित्र भार्गव जी आए हैं जो बहुत सकारात्मक सोच से रखते हैं मगर जरूरत पड़ने पे नगर निगम के अधिकारियों को ठीक करने का मार्का भी रखते हैं। वो पूरे वकालत के जानकार हैं जो रहते हुए किसी भी नगर निगम के अधिकारी को किसी भी कांग्रेस वाले के साथ मिलकर आपको परेशान करने की जरूरत नहीं होगी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ इस क्षेत्र के विकास के लिए और बिल्कुल बिंदास विकास के लिए बिंदास क्षेत्र के भी और आपके स्वयं के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ था है और रहेगा। मैं 2 शब्द बस कहके कोरोना के बारे में अपनी बात को विराम दूंगा। कोरोना काल में आप सोचिए जब यहाँ पर पानी भर गया था कोरोना के पेशेंट निकल रहे थे तब इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोजन व्यवस्था आप लोगों के लिए की थी, राशन की व्यवस्था की थी, कोरोना सुरक्षा किट की व्यवस्था की थी। मित्रों जरूरत पड़ने पे बच्चों के लिए केक तक बांटे थे, वैक्सीन लगवाए ताकि ये क्षेत्र सुरक्षित रहे। अपने परिवार अपने बच्चों की चिंता किए बगैर कार्यकर्ता फील्ड पे लगा रहा ताकि आप लोग सुरक्षित रहे। मैं आपको इसी दम पर निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, इस क्षेत्र की इस वार्ड की सूरत और सीरत दोनों बदल के रख देंगे। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। बोलिए भारत माता की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदना दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और रंजना अनिल पीपले से हम बात करेंगे। दीदी क्या कहेंगे आज को लेकर, आज जो धन्यवाद यहाँ पर तमाम लोग आपके लिए जो तो बस मैं बहुत फक्र महसूस कर रही हूँ कि सब मेरे साथ है, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आगे भी मेरा साथ देते रहे हैं और बहुमतों से मुझे विजयी बनाए और आगे मैं इनकी सेवा में तत्पर हमेशा खड़ी रहूँ। तो ये भरोसा दिलाया, वचन दिया और यहाँ पर पुष्प मित्र भार्गव भी यहाँ पर तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए और अब यहाँ से रवाना होंगे लेकिन उससे पहले जो एक चुनावी माहौल बनाना था, एक तस्वीर जो स्थापित करनी थी विकास की, वो यहाँ पर स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 7 में आज महापौर प्रत्याशी बीजेपी के पुष्प मित्र भार्गव पहुंचे, आकाश विजय वर्गी उनके साथ मौजूद थे और एक शानदार माहौल यहाँ पर चुनाव के लिहाज से बीजेपी बनाने में कामयाब दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजे न्यूज़ इंदौर।